स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी प्रोफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज योर मैथ्स क्लास, क्लास सेवन। और लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 1B। टुडे आई एम गोइंग टू, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1C, आई हैव टू टेल यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे मैंने कि आपको एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स बताया था, जिसमें क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। जस्ट लाइक दैट I will tell you about the closure property of multiplication. ठीक है, let's see of integers closure property. What is closure property? According to closure property of integers, multiplication closure, multiplicative closure property of integers, the product of any integers, product of any two integers will also be the integers a cross b is equal to integer. कैसे देख लीजिए, सपोज आपने कोई दो इंटीजर लिए -2 × 3, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीजर ही तो होगा। -6 आया, 3 × 2 = 6, तो ये -6 क्या है, एक इंटीजर है। तो किन्हीं भी दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विल ऑल्सो बी द इंटीजर, ओके। So this is called the closure property. Commutative property, according to commutative property, अगर आप कोई टू इंटीजर्स ले रहे हैं, सपोज आपने ले लिया यहाँ पे a एंड b, तो a और b का जो प्रोडक्ट होगा, it will equal to the product of b cross a. It means if you take integers -2 × 5, then it will equal to 5 × -2, that is 10. -10, ओके, किसके इक्वल होगा -10 के, 2 5 = 10, ओके, एंड 5 2 = 10, सो -10 विल बी द आंसर। सो अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, इंटीजर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है इट इज कम्यूटेटिव। मीन्स इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ओके। यहाँ पे क्रॉस का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। Now, associative property, okay, multiplication is associative. Integers में multiplication कैसा होता है, associative होता है। means if you will take three integers a cross b cross c in for equal to a cross b in one bracket cross c, okay, take one example of it, 2 × 3 × 5 और -5, कुछ भी ले लीजिए, और यहाँ पर आपने ले लिया 2 × 3 ब्रैकेट क्लोज −5। देखिए, अभी आपने फर्स्ट ब्रैकेट में क्या किया, आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी किया, एंड सेकंड आरएचएस में क्या किया, आपने यहाँ पे जो एसोसिएशन था, यानी कि जो आपने ग्रुपिंग करी है, वो आपने यहाँ पे ए क्रॉस बी कर दिया, ठीक है। तो देखिए, 2 × 3 × -5 कर रहे हैं, तो 3 × -5 करोगे तो क्या आ जाएगा, -15, ओके, और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6 × -5। अभी 6 × 5 = 30 करोगे, -30 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 × 2 = 30 करोगे तो ये -30 आ गया, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव of in integers, okay, multiplication is associative in integers, okay. You can see these properties in your book at page number 15. ये सारी properties आपकी book में page number 15 में given है, आप उसमें भी देख सकते हैं, okay, page number 15 में। So first is closure property, second is commutative. In closure property, a cross b is equal to integers. Commutative property, a cross b is equal to b cross a. मतलब कोई दो इंटीजर्स ले रहा है तो उनका प्रोडक्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इट डजंट मैटर कि आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, सॉरी। इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यू विल टेक द थ्री इंटीजर्स एंड यू एसोसिएट देम डिफरेंटली, एंड यू विल सी दैट इन बोथ द केसेस आरएचएस एंड एलएचएस द प्रोडक्ट विल बी सेम। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। लेट्स सी द first, the fourth one is existence of multiplicative identity. What is multiplicative identity?
multiplicative identity. Okay, let's see. So these, after these three properties, I will tell you the existence of multiplicative identity. Okay, so multiplicative identity में क्या होता है? If you take clearly what is the multiplicative identity in integers, what is the multiplicative identity? multiplicative identity कैसे समझ लीजिए. सपोज आपने कोई भी इंटीजर लिया, ए ले लिया, ए इंटू वन करने भी क्या आएगा, ए. इसी तरह से बी इंटू वन करने भी क्या आएगा, बी. तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि आप जब वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है. क्लियर? सो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. क्लियर है? वास्तव में. और वहीं पर एडिशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता था, सॉरी एडिशन में, इन एडिशन द एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा होता था, जीरो होता था, क्योंकि ए प्लस जीरो करने पे ए फाइंड होता, ए रिजल्ट मिलता था. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन द वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. ओके, और एडिशन में जीरो होता है. ठीक है, तो दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. फॉर एवरी इंटीजर वी हैव किसी भी मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, अगर आप किसी भी इंटीजर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जीरो. बी इंटू जीरो करेंगे तो बी क्या मिलेगा, जीरो. इट मीन्स अगर आप टू इंटू जीरो कर रहे हैं तो टू जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो. थ्री इंटू जीरो कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, जीरो. माइनस थ्री इंटू जीरो कर रहे हैं तो भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो. सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. क्लियर? द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी देख लीजिए. सपोज अगर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बता रहा है, आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब आपको जो हम बता रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रहा है, तो आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सपोज ये लिखा हुआ है ए क्रॉस इन ब्रैकेट बी प्लस सी, सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट लाइक दिस, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. इफ देयर इज ए इंटू बी बी प्लस सी, देन ए मल्टीप्लाई बाय बी, ओके, and c is multiplied, b is multiplied by a and c is multiplied by a. यानी कि इस a का multiply इन दोनों terms में हो जाएगा, किसमें, b और c में, a cross b plus a cross c, इस तरह से लिखा जाएगा. ठीक है, so this is called the distributive property. The seventh number is existence of multiplicative inverse. तो देखिए किसी भी इंटीजर्स का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो इंटीजर ए इज द नंबर 1 अपॉन ए. किसी भी इंटीजर का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो बता दिया मैंने, 1 होता है. अभी लास्ट है आपका 7th नंबर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. अब देखिए मल्टीप्लाई में इन, ठीक है, इन इंटीजर्स द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है. सपोज देयर इज अ इंटीजर, आपने कोई इंटीजर ए ले लिया, इंटीजर ए, इंटीजर कौन सा दे दिया आपको, हमने ए दे दिया, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इंटीजर विल बी वन अपॉन ए. ठीक है, इंटीजर अगर आपके पास ए है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन ए.
इट मींस इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा वन, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा वन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो इंटीजर एंड उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है इट विल ऑल्सो इट विल ऑलवेज वन। लेट सी ए इंटू वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन, क्लियर। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा वन। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा वन आएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो ए अगर आपको इंटीजर गिवन है, आपको एक एग्जांपल और देते हैं। सपोज आपको टू गिवन है, टू ये इंटीजर गिवन है टू, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा वन अपॉन टू। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, तो प्रोडक्ट क्या जाएगा टू इंटू वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन। ओके, इंटीजर आपको टू गिवन था और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है वन अपॉन टू, सो आंसर विल बी टू इंटू वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन। So these are the properties of multiplication of integers, and on these properties the next exercise 1C is based. Okay, and we will discuss question of exercise 1C in next term. Till then you have to revise these properties. Okay, thank you.